तो कल देर शाम करीब 8 बजे आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ के साथ अपने ओशिवारा में मौजूद बिल्डिंग के परिसर में घूम रहे थे, ये हमें जानकारी मिली है। और इसके बाद वो अपने फ्लैट में जाते हैं, उन्होंने तबीयत ठीक न होने की बात अपनी माँ से कही, फिर गोली खाकर वो सोने चले गए। आज सुबह करीब 9:30 बजे उनके परिवार ने उन्हें बेहोश पाया। करीब 10:30 बजे उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका ECG किया गया। हॉस्पिटल लाए जाने से पहले ही दम तोड़ चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला। डॉक्टर्स की टीम ने 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला का पंचनामा कर रही है, इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो शाम को आएगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसी के बाद जानकारी मिल पाएगी कि क्या हालात थे, किस वजह से उनकी ये मौत हुई, कौन सी दवाइयाँ उन्होंने ली थीं। क्योंकि दवाइयों का जो जिक्र है वो हर कोई कर रहा है कि उन्होंने दवाइयाँ ली थीं उसके बाद वो सोने के लिए चले गए थे, और सोशल मीडिया पर भी कुछ उनसे जानकारी उन्होंने अपनी दवाइयों को लेकर पहले भी दी थी जो इस वक्त पब्लिक डोमेन में है। आपको बता दें सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी के जो आखिरी 15 घंटों की अगर बात हम करें तो उसमें क्या हुआ, उनके आखिरी 15 घंटे कैसे बीते, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता हुआ खिलखिलाता इंसान अचानक से इस दुनिया से चला गया। तो कल रात जैसा कि हमने आपको बताया 8 बजे सिद्धार्थ अपनी माँ के साथ सोसाइटी में घूम रहे थे, तबीयत ठीक न होने पर गोली खाकर वो सोने चले गए। सुबह 9:30 बजे परिवार को सिद्धार्थ बेहोश मिले, 10:30 बजे सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाया गया, 10:30 बजे डॉक्टरों ने सिद्धार्थ का ECG किया, लेकिन सिद्धार्थ अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। 11:30 बजे सिद्धार्थ को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. Download it now.